अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत हेल्दी लाइट लेकिन बहुत यमी सैलड रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरी फेवरेट भी है और ये ग्रीक सैलड है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे आइसबर्ग लेटस की। इसकी बाइट साइज पीसेस में हम कटिंग कर लेंगे। थोड़ी सी और ऐड करते हैं क्योंकि ये सैलेड में बहुत मज़े की लगती है। आप रोमेनियन लेटस भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा आइसबर्ग लेटस पसंद है, तो मैं आइसबर्ग लेटस यूज़ कर रही हूँ। इसको हम शिफ्ट करेंगे अपने बोल में। और अब हम कटिंग कर लेते हैं रेड अनियन की। तो बारीक स्लाइसेस में रेड अनियन कट कर लेंगे। अब हम कोकम्बर ले लेंगे और इसको हम पील कर लेंगे। तो मैं इस तरह पील कर रही हूँ। तो कोकम्बर पे इस तरह एक पैटर्न बन गया है जो देखने में खूबसूरत लगता है। दरमियान से मैं इसको कट कर लूँगी और अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। इसको भी बॉल में शिफ्ट कर देते हैं। और अब हम लेंगे बेल पेपर और इसको भी पीसेस में कट कर लेते हैं। मेरे पास ऑरेंज और ग्रीन वन है, आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर ले सकते हैं। अब कैप्सिकम भी हम अपनी ऐड कर देंगे अपने सैलेड बॉल में। अब हम टोमेटो कट कर लेंगे। आप चाहें तो चेरी टोमेटोज भी ले सकते हैं। और अब इसमें टोमेटोज भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पार्सले भी मैंने काटा है, वो ऐड करेंगे। और अब लास्ट में इसमें हम फेटा चीज ऐड करेंगे। चलिए, ये सब चीज़ें तो हमारी कटिंग हो गई है और अब हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करते हैं। अब हम अपने मिक्सिंग बाउल में 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल मिक्स करेंगे। इसके साथ ही मैं 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल विनेगर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून फ्रेशली स्क्वीज्ड लेमन जूस में इसमें डालूंगी। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब ऑरिगैनो। और अब सीजनिंग डालेंगे, ब्लैक पेपर अकॉर्डिंग टू टेस्ट और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब अपनी ये फ्लेवरफुल सी ड्रेसिंग जो है वो सैलेड के ऊपर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारा बहुत रिफ्रेशिंग लाइट सा और बहुत डिलीशियस ग्रीक सैलेड तैयार है। और ऑरिगैनो की और विनेगर की, लाइम जूस की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और ये मुकम्मल एक मील है, आप इसे मील के तौर पे खा सकते हैं क्योंकि इसमें सारी फ्रेश वेजिटेबल और साथ फेटा चीज शामिल है। आप इसको ट्राई करें, आपको यकीनन पसंद आएगा। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।